वेलकम इन हैप्पी किचन विद रक्षा। आज हम आपके लिए होममेड व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी लेकर आए हैं। इसका यूज़ हम केक को सजाने के लिए करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 1 कप मिल्क, 1 कप शुगर लेंगे और 2 स्पून मैदा लेंगे और इन तीनों को मिक्स करेंगे। धीरे धीरे मिक्स करेंगे। से मिक्स करने के बाद ध्यान रखनी है कि इसमें उल्टियां ना पड़े। फिर हम एक पैन को गरम करेंगे और उस पैन में इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है और स्पून से चेक करने पर जब ये पीछे लगने लगे उसके तले में, तो मतलब ये हो चुका है। तो अब हमने ये इस मिक्सर को निकाल कर एक बाउल में रखेंगे और इसे ढक कर फ्रीज़र में रख देंगे। और अब हम बटर लेंगे। ये हमने 100 ग्राम बटर का यूज़ किया है, जिसे मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था। अब हम इसको जो है मिक्स करेंगे। इसे 5 से 10 मिनट तक मिलाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और वापस से इसे निकाल कर मिक्स करेंगे। ये देखिए आप, हमारा बटर मेल्ट हो गया है, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने मैदे का जो मिक्सचर था, जिसे हमने फ्रीज़र में रखा था, उसे हम निकाल लेंगे और 1 स्पून हम बटर के साथ ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें 1 स्पून ही इसमें ऐड करना है और 1 स्पून ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मिलाना है। ये आपके हाथ की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड में इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे ऐसे ही 1 स्पून लेके हम इसे मिक्स करते जाएंगे और आप देखेंगे कि हमारी क्रीम धीरे धीरे रेडी होती जा रही है। ये देखिए, हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो रही है। लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर और क्रीमी टेक्सचर। तो ये बिल्कुल रेडी है। ये लीजिए, अब हमारी व्हिप्ड क्रीम रेडी है।